गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जनवरी से मई तक के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी इसके पहले पांच भाग हम लोग जनवरी से लेके अप्रैल तक के डिस्कस कर चुके हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इन महीनों के, उनमें हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़े थे। और यहाँ पे मैं जनवरी से लेकर मई तक के क्वेश्चंस की बात करूँगा। इसका मतलब ये है कि जनवरी से लेकर अप्रैल तक में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो रिवाइज भी होंगे, उसके साथ साथ मई के जो नए क्वेश्चंस बनते जाएंगे, जैसे अभी 3 मई को मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 3 मई तक के क्वेश्चन इसमें मैंने शामिल किए हैं। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे दो दो तीन तीन दिन करके मैं उसको इसमें ऐड करता जाऊंगा। तो मई ख़त्म होते होते हमारा जनवरी से लेके मई तक 5 महीनों का करंट अफेयर्स एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा और सारे ही क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएंगे अगर आप रेगुलर इस तरह से फॉलो करेंगे। तो आपको अलग से कोई मैगज़ीन या कोई भी अलग से किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर्स की। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा तथा इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये कतर में किया जाएगा और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं आदिल खमीस हैं। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित अतुल्य क्या है? तो ये COVID-19 को विघटित करने वाला माइक्रोवेव स्टरलाइजर है। इंजन्यूटी हेलीकॉप्टर और परसवीरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी एवं किस अंतरिक्ष मिशन से संबंधित हैं? तो ये नासा से संबंधित हैं और ये आगामी मंगल मिशन से संबंधित है। फेड कप हार्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली भारत की प्रथम महिला खिलाड़ी कौन सी हैं? तो ये सानिया मिर्जा बनी हैं। हाल ही में चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। तो ये जो हाल ही में चर्चा में रहे थे संस्थान, क्वेश्चन कभी कभी GS के भी ऐसे आते हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे ही बनाए जाते हैं जैसे बहुत ज़्यादा चर्चा में है कोई संस्थान तो उसी को क्वेश्चन बना के उसी का और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे GS के क्वेश्चन भी पोस्ट कर दूंगा जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं कि उनसे संबंधित जो करंट का है वो तो आपको पता ही रहे, लेकिन वो कब स्थापना हुई थी, कहाँ मुख्यालय है, ये भी साथ साथ आपको याद होता जाए। हाल ही में जापान सरकार के द्वारा किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं थांग जाम धबाली सिंह, ये मणिपुर पर्यटन फोरम के संस्थापक हैं, तो इनको हाल ही में सम्मानित किया गया है। अभिनेता ऋषि कपूर का निधन किस बीमारी से हुआ है? तो ल्यूकीमिया, या जिसको ब्लड कैंसर बोला जाता है, या ये कह लीजिए ब्लड कैंसर को ही ल्यूकीमिया बोला जाता है। ये क्वेश्चन GS में भी बहुत पूछा जाता है कि ब्लड कैंसर को और किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकीमिया नाम से जाना जाता है। हाल ही में रोनाल्ड विवियन स्मिथ का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो इतिहासकार थे। नौवां है सेंट्रल विस्टा परियोजना क्या है? ये नए संसद भवन तथा अन्य कार्यालयों के पुनर्निर्माण की एक योजना है। चर्चा में रहे राइट्स इश्यू शेयर क्यों लाया जाता है? पूंजी जुटाने या कर्ज को कम करने के लिए लाया जाता है। चर्चा में रहे राइट्स इश्यू शेयर क्यों लाया जाता है? तो ये पूंजी जुटाने या कर्ज को कम करने के लिए लाया जाता है। इसके बाद अगला है, हाल ही में चुन्नी गोस्वामी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये फुटबॉल और क्रिकेट दोनों से ही संबंधित थे, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी थे, देश के पूर्व फुटबॉल कप्तान भी थे और बंगाल के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी थे, तो प्रतिभा के धनी माने जा सकते हैं। दोनों खेलों में इतनी अच्छी उपलब्धि हासिल करना बहुत बड़ी बात है। जापान की योकिमा अमानो की जगह किसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का नया महानिदेशक चुना गया है?
राफेल मारियानो ग्रासी जो अर्जेंटीना के हैं, इनको परमाणु ऊर्जा अभिकरण का महानिदेशक चुना गया है। उत्तरी अमेजन के पहाड़ों में पाई जाने वाली किस पक्षी प्रजाति को सबसे तेज चिल्लाने वाला पक्षी घोषित किया गया है? तो ये नर व्हाइट बेलबर्ड है। नई दिल्ली में संपन्न दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA सम्मेलन में किन दो देशों ने समझौते के फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर कर ऐसा करने वाले 82वें और 83वें देश बने थे? तो ये इरिट्रिया ने साइन किए थे, तो ये 82वां देश बन गया है ISA में दस्तखत करने वाला, और सेंट किट्स नेविस, है ना। तो ये दो कंट्रीज हैं, 82वें और 83वें देश बने हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में दस्तखत करने वाले। संयुक्त अरब अमीरात ने जुलाई 2020 तक किस नाम से अरब देशों के पहले मंगल ग्रह अंतरिक्षयान को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो होप प्रोब के नाम से संयुक्त अरब ने घोषणा की है। FATF की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने वाला पहला खाड़ी देश बना है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है हर क्षेत्र में। अभी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में उसने अपना एक विश्वविद्यालय बनाया है। उसके अलावा बहुत सारे अंतरिक्ष में उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो बहुत तेज़ी से अपने आप को विकसित कर रहा है सऊदी अरब। FAO संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का नया महानिदेशक, ये चीन के कृषि मंत्री छयू डोंगयू हैं। चीन के कृषि मंत्री छयू डोंगयू बनाए गए हैं FAO के नया महानिदेशक। तुरंत उत्पादन के लिए निवेशकों को तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना क्या कहलाता है? तो ये प्लग एंड प्ले कहलाता है। भारत में किस योजना द्वारा राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की जाती है एवं इसके द्वारा या इसके तहत लाभार्थी दूसरे राज्यों में कितना अनाज ले सकते हैं? तो ये योजना है वन नेशन वन कार्ड, और स्वीकृत अनाज का 50% इनको मिलेगा भारत में कहीं पे भी। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वर्चुअल मैड्रिड ओपन का खिताब अपने नाम किया? तो ये एंडी मरे हैं। चर्चा में रहा एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम AES मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। वर्तमान में चल रही शिक्षा नीति को कब लागू किया गया था एवं प्रस्तावित शिक्षा नीति 2019 का ड्राफ्ट किस कमेटी ने तैयार किया था? तो एक तो जो चल रही थी अभी तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो 1986 की थी। इसके अलावा जो 2019 की प्रस्तावित शिक्षा नीति है, उसका ड्राफ्ट डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ने तैयार किया था। चर्चा में रही पोलावरम परियोजना किस नदी एवं राज्य में स्थित है? तो ये गोदावरी नदी पर स्थित है और आंध्र प्रदेश में स्थित है। 2025 तक अवसंरचना पर 111 लाख करोड़ रुपए की निवेश वाली परियोजना राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का ड्राफ्ट किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया है? तो अतनु चक्रवर्ती की अध्यक्षता में ये तैयार किया गया है। हाल ही में किस टीवी कार्यक्रम ने सर्वाधिक देखे गए धारावाहिकों में विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है? तो ये है रामायण, जिसको करीब 77 मिलियन लोगों ने देखा है। आर्टेमिस मिशन 2024 किस देश की एवं किस ग्रह हेतु प्रस्तावित योजना है? आर्टेमिस मिशन 2024 नासा की योजना है और ये चंद्रमा के लिए है। भारत को अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने हेतु रीस्टार्ट, रीस्टोर एंड रीसर्जेंस किस औद्योगिक क्षेत्र की पहल है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक व मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की पहल है। राइट ऑफ और लोन वेवर में अंतर क्या है? तो राइट ऑफ में ऋण की वसूली होती है और लोन वेवर में ऋण माफ़ कर दिया जाता है। किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? ये हैं TS त्रिमूर्ति। चर्चा में रहे प्राकृतिक उत्पाद बर्बेरिन से प्राप्त बेर डी का उपयोग किस रोग के इलाज में किया जाएगा? ये अल्जाइमर में किया जाएगा। फ
फैंटम लेंस क्या है? तो ये एक स्पाई वेयर है। हाल ही में इरफान खान का निधन किस बीमारी की वजह से हो गया है? तो ये न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर की वजह से इनका निधन हुआ है। चर्चा में रहे मूल्य समर्थन योजना को कब लागू किया जाता है? जब कृषि उत्पादों के मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे हो जाते हैं, तब फिर मूल्य समर्थन योजना को लागू किया जाता है। आगामी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से रद्द करके किस देश को दे दी गई है? ये बेलग्राद सर्बिया को दे दी गई है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना एवं वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये जो जीएस टाइप के क्वेश्चन हैं, ये हाल ही में चर्चा में रहे हैं बैंक, इस वजह से इनके बारे में मैंने बताना उचित समझा। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी 1966 में और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो मसात्सुगु असाकावा हैं। जलवायु परिवर्तन पर UNFCCC का 26वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको शॉर्ट में कॉप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को कॉप बोला जाता है, 26, ये कहाँ प्रस्तावित है? तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में प्रस्तावित है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का गठन किस अधिनियम एवं किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था? तो ये आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया था। चर्चा में रहा 1998 OR 25278 क्या है? तो ये लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह है। बैंकिंग प्रणाली में राइट ऑफ या बट्टा खाता का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? तो अभी हाल ही में आपने सुना होगा RBI के द्वारा ऐसी कुछ घोषणा की गई थी कि जिन्होंने लोन वापस नहीं किया है उनको बट्टा खाते में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ऐसा करके कुछ न्यूज़ चल रही थी, तो उसमें लोग अपने अपने विचार दुनिया भर के निकाल रहे थे कि चौकसी साहब का लोन माफ़ कर दिया गया है ऐसा कुछ, तो उसी से संबंधित ये पॉइंट है। बैंकिंग प्रणाली में राइट ऑफ या बट्टा खाता का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है? तो जब कर्ज वापसी की उम्मीद ना हो तो कर्ज वसूली के लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाने हेतु बट्टा खाते में डाला जाता है या राइट ऑफ उसको बोला जाता है। माइक्रो बैक्टीरियम वैक्सीन ये कुष्ठ रोग के निवारण के लिए यूज़ की जाती है। हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में सैन्य खर्च में विश्व के प्रथम तीन अग्रणी राष्ट्र कौन से थे? तो अमेरिका, चीन और भारत। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सिप्री का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी और कहाँ पर इसका मुख्यालय है? स्वीडन में। ग्रीन बुक 2020 क्या है? ये पाकिस्तानी सेना का शोध जर्नल है, जर्नल कह सकते हो, ये जनरल नहीं जर्नल होगा, ठीक है, शोध जर्नल। किस अनुसूची के तहत राज्यपाल बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद का प्रशासन करता है? तो ये छठी अनुसूची के तहत करता है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था और कहाँ उन्होंने चार पीठों की स्थापना की थी? तो ये इन्होंने की थी, इनका जन्म एक तो हुआ था केरल में, और जो चार पीठों की इन्होंने स्थापना की है, श्रृंगेरी, जगन्नाथपुरी, द्वारका और बद्रीनाथ में इन्होंने स्थापना की है चार पीठों की। इनका दर्शन कौन सा था? तो इनका शंकराचार्य जी का दर्शन था अद्वैतवाद। रामानुजाचार्य का दर्शन कौन सा था? तो ये विशिष्टाद्वैतवाद इनका दर्शन था। विटामिन सी और डी हाल ही में चर्चा में रहे थे इम्यून सिस्टम मजबूत करने के हिसाब से, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम कैल्सिफेरॉल है। तो हो सकता है जीएस में इसका क्वेश्चन बन जाए। प्रतिरोधकता बढ़ाने वाले प्रस्तावित पेय पदार्थ आयुष क्वाथ या कुदीनर या आयुष जोशंदा में किन गुणकारी तत्वों को प्रयोग किया जाएगा? तो तुलसी, दालचीनी, अदरक चूर्ण और काली मिर्च, इनका उपयोग किया जाएगा आपकी प्रतियोगिता बढ़ाने वाले पेय पदार्थ को बनाने में। ब्रिटेन की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाले भारतीय लड़ाकू विमान के पायलट का क्या नाम था? तो ये श्री कृष्ण चंदा वेलिंगकर थे, तो हाल ही में ये भी चर्चा में थे। अर्थगंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी के किनारे सतत आर्थिक विकास मॉडल को अपनाना ये अर्थगंगा परियोजना का उद्देश्य है।
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, अभी मनाया गया है हाल ही में। 2020 की थीम क्या थी? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना और मुख्यालय, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में हुई थी, इसका मुख्यालय हेग में है जो कि नीदरलैंड में है। सेबी की स्थापना और मुख्यालय, ये सारे संगठन अभी हाल ही में चर्चा में थे, इस वजह से इनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सेबी की स्थापना 1992 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। भावना पाडू बंदरगाह हाल ही में चर्चा में था, ये किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, भावना पाडू बंदरगाह। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020, ये इसमें भारत की रैंक 142 है। वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंक 142, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद करना है। जारी करने वाली संस्था कौन है? तो ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था है जो इसको जारी करती है। डेनिस अर्थशास्त्री व पर्यावरणविद जिन्हें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP की नई कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये हैं इंगर एंडरसन। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10 फरवरी से 14 फरवरी 2020 के बीच मनाए गए वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020 का केंद्रीय विषय क्या था? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इसका मेन थीम था या केंद्रीय विषय था। तो 10 से 14 फरवरी 2020 के बीच में मनाया गया है वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2020। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एक सर्वे रिपोर्ट में किन 3 भारतीय शहरों को विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते शहरी क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो ये हैं मल्लपुर, कोझिकोड और कोल्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 10 फरवरी से 14 फरवरी के बीच में, ये तो हो चुका है, तो फिलहाल यही इतने आपके आज के क्वेश्चंस थे। करीब 58 क्वेश्चंस हैं जो जनवरी से लेके मई तक के क्वेश्चंस हैं, तो इनको अच्छे से आप तैयार कीजिएगा। मिलते हैं, ये कुछ 2 क्वेश्चंस और हैं, इनको भी देख लेते हैं। विश्व आर्थिक मंच का 50वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ था और जनवरी 2020 में ये हुआ था। 2020 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2020-21 किन 3 बिंदुओं पर आधारित है? उम्मीदों का भारत, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग समाज, इन पे आधारित है 2020 का प्रस्तुत केंद्रीय बजट। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो जनवरी से लेके मई तक को कवर करेंगे। मई ख़त्म होते होते आपके जनवरी से लेके मई तक के सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो जाएंगे। केवल आप इस सीरीज़ को अगर फॉलो करेंगे तो आपको कोई अलग से मैगज़ीन पढ़ने की, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में आपका पूरा करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।